हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू एडुटेप। गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके एफसीआई के एग्जाम के लिए जो है वो हम आपके लिए एक फ्री एमसीक्यू सीरीज जो है वो लेकर आए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी हिस्ट्री को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है, ज्योग्राफी को डिस्कस किया है, आज हमारा इकोनॉमी का जो है फर्स्ट पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये हम इस तरह से आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका साथ में सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके एग्जाम तक आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ में आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो है वो कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के हमने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए फ्रेम किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस, चलिए चलते हैं हम आगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी सेशन, कोई भी इस सीरीज का कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो, तो आप हमारे इस ऑफिशियल चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक सेशन की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सेशन के बाद सडन बाद जो है वो आपको इसी पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ है वो भी आप तक जो है वो पहुंच जाए, ठीक है गाइस। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस सेशन के बारे में। तो देखिए, ये फ्री यूट्यूब सीरीज है जिसमें हम आपके साथ 10 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया करेंगे, डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। ये इसका प्रॉपर शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे हर रोज आपको 2 बजे जो है वो ये आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है बने रहें 2 बजे हर रोज। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है वो यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी देखने को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो गाइज, चलते हैं हम आज के सेशन पे, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज के हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये बेसिक ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है वो पता चलेगा कि इकोनॉमी स्टार्ट कहाँ से होती है, क्या क्या इसके बेसिक्स पार्ट्स रहते हैं, और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके इस इकोनॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज, कि इकोनॉमिक्स जो है उसको आप किस तरह से बेस्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हाउ यू कैन डिफाइन द इकोनॉमी। अब आपके ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, द स्टडी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, द साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो यह आपके पास जो है वो गिवन 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, अब जो है हम जो करेंगे यहाँ पे, आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि इकोनॉमिक्स को आप बेहतर तरीके से जो है वो किस में, अब देखो यहाँ पे हर एक चीज जो है इकोनॉमी से ही रिलेटेड यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन आपने बताना है कि बेस्ट सुटेबल पॉसिबल आंसर क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइंस ऑफ चॉइस अंडर स्कार्सिटी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, दिस इज एग्जाम इज हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज मेक चॉइसिस अबाउट एलोकेटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स। देखिए, स्कार्सिटी का मतलब आपको पता ही है ना। अब उस टाइम जो है इकोनॉमिक्स क्या बोलती है कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को ये बताती है कि हाउ यू कैन मेक चॉइसिस, कैसे आप चॉइस कर सकते हो उन लिमिटेड रिसोर्सेज की। ये लिमिटेड रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, कोई रिसोर्सेज है, कोई मनी है, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, है ना। तो किस तरह से आप अपनी चॉइस को जो हो बेहतर बना सकते हैं जब आपको अपनी अनलिमिटेड नीड्स या रिक्वायरमेंट्स या वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है, बट रिसोर्सेज जो है वो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। उस टाइम जो है इकोनॉमिक्स आपको ये चीजें बताती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपको बताती है, इकोनॉमिक्स को आप कैसे बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट आपकी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, यानी स्कार्सिटी के टाइम पे आप किस तरह से अपनी चॉइस लेते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से वहां पे इसका यूज कर सकते हैं, इसको जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो डिफाइन किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो कौन सा एक पॉसिबल जो यहाँ पे आपको गिवन ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि किस चीज को जो है स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि आपके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बी ऑप्शन की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, सी ऑप्शन की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर इन परचेजिंग गुड्स, डी ऑप्शन की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ई ऑप्शन की बात करें तो नेशनल फिस्कल पॉलिसीज।
तो ये आपके पास गिवन फाइव ऑप्शंस दी हैं, आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। क्लियर गाइज? तो अभी हम अगर बात करें अपने सही आंसर की, सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इन परचेजिंग गुड्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का यानी कस्टमर का क्या बिहेवियर है वाइल परचेजिंग द गुड्स, यानी कि वाइल परचेजिंग द आइटम्स। ठीक है, तो उस टाइम जो है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो क्या है, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स। ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी, देखो वो जो कंज्यूमर है, कस्टमर, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक वो पूरी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये फोकस करता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक कंपनी के, यानी कि एक फर्म के ऊपर, कि हाउ दे मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, कि वो किस तरह से जो है वो अपने डिसीजन को फ्रेम करती है रिगार्डिंग द रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्स को एलोकेट करने के टाइम पे उसका क्या डिसीजन रहता है, हाउ दे रिएक्ट। ठीक है, तो वो इस चीज पे जो फोकस करती है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कहता है कि व्हाट इज स्कार्सिटी रेफर्स टू। स्कार्सिटी जो है वो क्या है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि स्कार्सिटी जो है वो किस वर्ड को, एक इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, तो किस चीज में जो है वो डिफाइन करता है स्कार्सिटी। क्या हम कह सकते हैं कि स्कार्सिटी का सही मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ऑप्शंस की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर ए है द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बी ऑप्शन की बात करें तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिमिटेड वॉन्ट, सी ऑप्शन की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वॉन्ट, डी ऑप्शन की बात करें तो इकोनॉमिक सरप्लस इन प्रोडक्शन, ई ऑप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास पांच ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, जो कि बेस्ट पॉसिबल आंसर है स्कार्सिटी को। स्कार्सिटी इकोनॉमिक का एक टर्म है, तो क्या मतलब रहेगा इसका अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, तो आपका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, कि जब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे पास जो डिमांड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वॉन्ट्स हैं, दैट आर अनलिमिटेड। तो यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो है वो आपका स्कार्सिटी का मतलब रहेगा। बात करें अगर इसकी स्कार्सिटी की, तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कार्सिटी जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी की टर्म है, एक मेजर टर्म है, जो कि क्या हाईलाइट करता है, द गैप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ह्यूमन डिजायर। अब देखिए, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे टाइम, मनी, अदर रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ह्यूमन की डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसको हर एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा चीज में, एक्स्ट्रा में मतलब एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। तो वो चीजें जो है वो स्कार्सिटी का मतलब यही होता है, कि एक गैप है जो कि बताता है, ठीक है, बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट, कि एक इंडिविजुअल की या एक फर्म की जो अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो किस तरह से जो है वो गैप को मेंटेन करता है, उसको हाईलाइट करता है, दैट इज डिनोटेड बाय द स्कार्सिटी। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी की डिफरेंट टाइप होती है, जैसे मार्केट इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी है, इलास्टिक इकोनॉमी, इस तरह की बहुत सी ऐसे इकोनॉमिक टाइप हैं, वो भी हम जो है वो कवरअप कर लेंगे इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। तो आपको बोला है कि कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इन पांच ऑप्शंस में से, जो कि कमांड इकोनॉमी को जो है वो बताता है, इसकी हाईलाइट करता है, इसके सिग्निफिकेंस, इसके फीचर्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बी ऑप्शन की बात करें तो रिसोर्सेज एलोकेटेड बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज, सी ऑप्शन की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, डी ऑप्शन की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, ई ऑप्शन की बात करें तो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो पांच गिवन ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कमांड इकोनॉमी जो है वो मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक कौन सी रहेगी। अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। कमांड इकोनॉमी, देखो कमांड का मतलब भी क्या है, कि कोई इसको रूल कर रहा है ना, किसी एक पर्सन के या एक प्रॉपर एक अथॉरिटी के पास जो है वो मतलब उसकी जो कमांड है, उसका जो मतलब लीडरशिप है, वो जो है वो एक पर्टिकुलर के पास। तो देखिए, नाम में ही इसका मतलब है कमांड इकोनॉमी, कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो किसके पास हो सकती है, गवर्नमेंट के पास हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। कि देखिए, ये कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, कि जो गवर्नमेंट है वो हर एक डिसीजन बनाती है, मेक ऑल डिसीजन
रिगार्डिंग द एलोकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कि कमांड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हर एक तरह के डिसीजन बनाती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को किस तरह से उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है, किस तरह से उसको एलोकेट करना है, बांटना है. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कमांड इकोनॉमी में आती है. एंड दिस इज रूल्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इट्स द डिसीजन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट. क्लियर? चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल सिग्निफिकेंटली, द डिमांड फॉर दैट गुड इज सेट टू बी. आपको बोला है कि देखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज, कि कोई भी आपके पास आइटम है, अगर उसका प्राइस राइज करता है एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ठीक है, कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, द डिमांड फॉर दैट गुड इज सेट टू बी. तो उस पर्टिकुलर जो डिमांड है उस पर्टिकुलर आइटम की, गुड्स की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम या तो इनइलास्टिक कहेंगे, या इलास्टिक कहेंगे, या यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, या परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे. तो ये आपके जो है वो 5 ऑप्शंस हैं आपके इस क्वेश्चन के. आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि देखो, कोई भी एक इंडिविजुअल आइटम है, कोई एक रिसोर्स है, कोई भी मान लो एक छोटी सी आइटम है जो हम डेली यूज में लेते हैं, तो उसका प्राइस जो है वो राइज करता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है दैट फॉल्स, ठीक है, सिग्निफिकेंटली वो क्या होती है, कम हो जाती है, फॉल कर जाती है. तो आपको सिर्फ पूछा है कि इस डिमांड को, इस पर्टिकुलर जो गुड्स की डिमांड है, इसको हम क्या कहेंगे. तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो हम इसको कहेंगे इलास्टिक डिमांड. ठीक है, कि ये जो है वो क्या कही जाएगी, इलास्टिक. अब देखो इलास्टिक डिमांड क्या होती है. इलास्टिक डिमांड क्या बताती है, कि ये इंडिकेट करती है दैट कंज्यूमर सिग्निफिकेंटली चेंज देयर परचेजिंग बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज. कि जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको जो है अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा टू परचेज और इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज. ठीक है, उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए, उस पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है कंज्यूमर का जो बिहेवियर है दैट गेट चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि कंज्यूमर सिग्निफिकेंटली चेंज देयर परचेजिंग बिहेवियर. कि कंज्यूमर को मान लो आज वो चीज पसंद है, मान लो कल वो चीज पसंद नहीं आई, लेकिन वो तो प्रोडक्शन तो उसकी हो रही है ना, उसका प्राइस जो है वो राइज हो रहा है, लेकिन अब कंज्यूमर ने अपना मन बना लिया, या फिर कुछ भी है कि इस तरह से डिमांड जो है वो उसकी कम हो जाती है. तो ये सारी जो आपकी चीजें आती हैं, ये कम्स इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, अब आपने ऑप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज इन इलास्टिक डिमांड, तो उसके बारे में आपने नीचे कमेंट में लिखना है. ठीक है, कि इन इलास्टिक डिमांड क्या है. ठीक है, तो ये थी हमारी इलास्टिक डिमांड. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड डिमांड. कि कौन सी जो ये आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो है वो कॉज होती है, यानी कि कॉज्ड बाय इंक्रीज डिमांड. तो कौन सी इन्फ्लेशन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर डी है हाइपर इन्फ्लेशन, और ई है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन. तो ये आपके पास जो है वो 5 ऑप्शंस गिवन है. आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो बताता है कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि कॉज हो रही है बाय इंक्रीज डिमांड. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी जो है वो आपकी बढ़ रही है. तो ये जो है आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें, हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कि देखो डिमांड बढ़ रही है मार्केट में किसी चीज की, तो कमोडिटी ने क्या करा, जो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने क्या करा कि उसकी जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है ना, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया. तो वो क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड के बढ़ने से जो है वो आप इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं. तो देखिए होता क्या है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये कब होती है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स, कि जब उस पर्टिकुलर आइटम की, उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो एक्सीड कर जाती है, ठीक है, देयर सप्लाई, देन लीडिंग टू राइजिंग प्राइसेस, है ना. कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एग्जांपल की बात करें तो कई बार सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, है ना. अब सब्जियों की तो डिमांड हमेशा रहेगी, लोग सब्जी तो खाएंगे, लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम हो रही है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो क्या होता है, उसका जो प्राइस है वो राइज हो जाता है. जैसे आपने कभी देखा होगा कि टमाटर प्याज 100-150 रुपए किलो हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो एक इसी की ही टाइप है. कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड तो है ना उस चीज की, सब्जियों की, टमाटर प्याज की डिमांड तो है, लेकिन जो पीछे से प्रोडक्शन जो हो रही है उन चीजों की, या फिर सप्लाई जो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो कम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है. ठीक, तो दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कि जीडीपी को जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कौन से मेथड से जो है हम जीडीपी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोडक्शन इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड्स, बी ऑप्शन है एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड्स, सी ऑप्शन है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम मेथड्स, डी ऑप्शन है रिवेन्यू प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड्स, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि जीडीपी, ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इन ऑप्शंस में आपने देखा। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हम जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड्स। तो इस तरह से जो है वो हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम जीडीपी की बात करें तो इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, अलग अलग मेथड से हो सकता है, जैसे कि कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन और इनकम जनरेटेड, जो हमारे ऑप्शंस में गिवन था कि हम किस तरह से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि बाय कैलकुलेटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितनी इनकम जो है वो हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द जीडीपी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि ये आपका एक बहुत ही मेजर पार्ट है ना जीडीपी की अगर हम बात करें। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं जीडीपी की फुल फॉर्म के बारे में, है ना, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और इसको हम इन पर्टिकुलर तरह से जो है वो, इन पर्टिकुलर मेथड की तरह से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखिए यहां पे बात जीडीपी की नहीं है, अब उसके टाइप्स की बात की गई है ना, कि उनके बीच का डिफरेंस पूछा है कि क्या इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है, कि रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी से किस तरह से जो है वो अलग है, ठीक है। तो वो चीजें जो है वो आपसे पूछी हैं। अब आपने बताना है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या मेन जो है वो डिफरेंस आपको लगता है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपके फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल नॉमिनल जीडीपी इज नॉट। रियल जीडीपी को जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन से लेकर, लेकिन हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो नॉमिनल जीडीपी है दैट इज मोर एक्यूरेट देन रियल जीडीपी, ठीक है, कि नॉमिनल जीडीपी जो है दैट इज एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है देन द रियल जीडीपी। सी ऑप्शन की बात करें तो जो रियल जीडीपी है दैट इंक्लूड्स ओनली गुड्स व्हाइल नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड सर्विसेज, कि जो रियल जीडीपी है ये सिर्फ आइटम्स या गुड्स को ही इंक्लूड करता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में आप सर्विसेज को भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं। डी ऑप्शन है देयर इज नो डिफरेंस दे आर द सेम, कि यहां पे आपको पूछा कि कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों जो है वो सेम है। ई ऑप्शन की बात करें तो रियल जीडीपी जो है दैट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली व्हाइल नॉमिनल जीडीपी इज एनुअल, कि अगर हम बात करें तो रियल जीडीपी को जो है हम क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, बल्कि नॉमिनल जीडीपी को हम सालाना यानी कि एनुअली जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके 5 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कि जो रियल जीडीपी है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है, इट्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, बट हम नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो रियल जीडीपी है दैट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ एन इकोनॉमी साइज बाय अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। तो ये जो है इसलिए आपका आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा, ठीक है। तो अब आपने मेरे को बताना है कि एक लाइन में आपने कमेंट में लिखना है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा जो है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। क्लियर गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, कि हम इनमें से किसको जो है वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह जो है वो हम देखेंगे, है ना, कि कौन सा जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी ऑप्शन की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, डी ऑप्शन की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट, ई ऑप्शन की बात की जाए तो रिटेल सेल फिगर्स। ये आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपने बताना कि इनमें से कौन सा जो है एक मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी को जो है वो सबसे ज्यादा इंडिकेट करता है, उसको दर्शाता है, किसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इकोनॉमी को सबसे एक बड़ा जो मेन इसका जो इंडिकेशन है वो बताता है। ऑप्शंस करेक्ट की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस जो है आपका सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखो अगर हम लीडिंग इंडिकेटर की बात करें तो ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को,
है ना, हमारे लिए मेन इंडिकेटर क्या है इकोनॉमी में, जो हमारे पास आने वाले 10 साल 20 साल, यानी कि फ्यूचर को जो है, फ्यूचर की जो इकोनॉमी है उसकी एक्टिविटी को हमारे पास जो है वो बताता है, उसको इंडिकेट करता है। और जो स्टॉक मार्केट है ये क्या करता है, सेम काम करता है। स्टॉक मार्केट क्या करता है, ट्रेंड्स ऑफन सिग्नल अपकमिंग चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन, ये हमें बताता है कि आने वाली इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से होगी, किस तरह से जो है वो चेंजेस आएंगी, इस ये सिग्नल जो है वो हमें स्टॉक मार्केट से मिलता है कि इस तरह की चेंजेस जो है वो हमारी इकोनॉमी में आने वाली हैं या इस तरह की चेंजेस आने वाले टाइम पे हो सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, ये जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, ये हमारा एक सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा और सबसे मेन जो है वो लीडिंग इंडिकेटर रहेगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट प्रिडिक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो है वो फ्यूचर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताता है। क्लियर गाइस? चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है हमारा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज डिफाइंड एज, कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसको हम बेटर तरीके से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर हम बात करें, इसके ऑप्शंस की बात करें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, तो ऑप्शन ए में दिया है कि इनकम लेवल्स बिलो द एवरेज फॉर अ रीजन। ठीक है, कि इनकम लेवल जो है वो एक रीजन के एवरेज से भी कम है। द इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, कि आप जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, हम उसको भी जो है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। सी ऑप्शन है, अ रिलेटिव मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, कि एक जो है एक रिलेटिव मेजर है इनकम इनइक्वालिटी का। डी ऑप्शन की बात करें, तो पॉवर्टी एक्सपीरियंस्ड ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि पॉवर्टी को जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। ई ऑप्शन की बात करें, द लैक ऑफ एक्सेस टू लग्जरी गुड, कि हम जो है मतलब कि इसमें बात करें तो एक पर्सन जो है वो लग्जरी गुड्स को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सही ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन की बात करें, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि एक पर्सन जो है वो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि द इनएबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल। तो देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सेवरल लैक ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल एसेंशियल लिविंग रिक्वायरमेंट सच एज फूड एंड शेल्टर। कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की कमी जो कि आपको चाहिए अपनी लिविंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, ठीक है, कि घर है, खाना है, कपड़े हैं, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, अगर जब इसमें भी, इन रिसोर्सेज में भी मतलब कमी आ जाए और एक पर्सन जो है उसको फुलफिल ना कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द इंडिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी जो है वो यही चीज इंडिकेट करता है। क्लियर गाइस? तो ये जो थे वो हमने एक आज टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा, जो कि आपके बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से थे, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम जो चीजें हैं वो हम क्या कर रहे हैं, आपका सिलेबस भी जो है वो इसमें ही कवर हो रहा है, जब हम इसको डिटेल में, इसको जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर गाइस? बाकी आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, तो आप हमारे गिवन चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि आपको इसके प्रॉपर नोट्स दिए जाएं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।